लड़ियो घणो मूसयो घणो मेवाड़ी माने बचावणी ने तू लड़ो घणो सयो घणो मेवाड़ी तो दोस्तों ये वही नाला है जहां पर महाराणा प्रताप के चित घोड़े ने 40 फीट के जो दर्रा था उसको डाकर इस तरफ पार किया था। दोस्त जो आप जो पीछे पहाड़ियां देख रहे हो यहां से होते हुए इस तरफ आया था और यहां पर जो आप देख रहे हो ये 40 फीट का नाला है। तो महाराणा प्रताप का जो तीन टांगों पर चलते हुए घोड़ा ने मतलब 26 फीट के नाले को। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं जो हल्दी घाटी के अंदर जहाँ पर जो महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी जो पर्वत पर मूर्ति लगाई गई है वहाँ पर पहुंचे और वहाँ से हम लोगों ने आपको जहाँ पर जो चेतक द्वारा जो नाला पार किया गया था वो भी बता दिया। तो फिलहाल यहाँ पर खड़े हैं तो मैं कुछ एक सॉन्ग है जो आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूँ। तो जहाँ पर जो महाराणा प्रताप है ना जो आपको ये जंगल दिख रहे हैं इनके अंदर जो महाराणा प्रताप घास फूस की रोटी खाकर अपना जीवन किस प्रकार बिताया था, यानी अपना घास फूस की रोटी खाकर अपना जीवन बिता दिया था, लेकिन अकबर के सामने अपनी अधीनता को है जो स्वीकार नहीं किया गया था, जो उन्होंने जो कितना फील किया था, तो वो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ जो बताना चाहता हूँ। तो महाराणा प्रताप जब घास फूस की रोटी थी तो वो अपने जो बेटे थे अमर सिंह उनको बनाकर खिलाई गई थी। तो उस समय क्या कि एक जंगली बिलाव था तो अमर सिंह के हाथ में से वो रोटी छीन कर लेकर भाग जाता है। तो महाराणा की जो अंतर आत्मा है वो चेत जाती है। तो महाराणा प्रताप क्या कहते हैं जो अपने मन ही के मन अंदर क्या कहना चाहते हैं तो सुनिए। मुँह लड़ियो हो गणो मूसयो हो गणो मेवाड़ी मान बचावणी ने मुँह लड़ियो हो गणो मूसयो हो गणो मेवाड़ी मान बचावणी ने कभी पाच नहीं खाई रणी में बैरियारो खून बहावणी ने बैरियारो खून बहावणी ने जब याद करूं जब याद करूं हल्दी घाटी नैना में रगती उतर आवे सुख दुखी रो साथी चेत कीड़ो सूती सी हूँ के जगा जावे अरे घास री रोटी जद वन बिलाविड़ो ले भाग्यो नन्नो सोयम रियो चीक पड़ियो जद राणा रो सोयो दुख जाग्यो। तो दोस्तों जब महाराणा प्रताप की अंतर आत्मा चेत उठी थी तो महाराणा प्रताप ने कहा कि मैंने बहुत लड़ा मैंने बहुत सया मेवाड़ी की आन बान शान को बचाने के लिए, कहा कि मुँह लड़ियो घणो मुँह सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने कभी आप पाच नहीं खाई रण में बैरिया रो खून बहावण ने, यानी वो अपने जीवन में कभी बैरी या फिर कभी युद्ध में पीछे नहीं हटे थे। अपना सीना है जो भारत का दुश्मनों का जो खात्मा किया था इसलिए कहा था कि मुँह लड़ियो घणो मुँह सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने कभी पाच नहीं खाई रण में बैरिया रो खून बहावण ने जब याद करूँ हल्दी घाटी तो नैना में रगत उतर आवे, मतलब जो आंखों से है जो खून जैसे अपन तो आंसू बोलते हैं तो महाराणा प्रताप ने कहा कि जब हल्दी घाटे को याद करता हूँ तो आंखों के अंदर जो खून के रूप में आंसू उतर आते हैं, ठीक है ना। तो मेरे इस सुख दुख में जो ये चेतक है साथी यही मेरा हौसला बढ़ाए रखता है। तो ठीक है दोस्तों बस ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर ये छोटा सा म्यूजिक आपको पसंद आया तो लाइक करना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों देख सकते हो हल्दी घाटियाँ उनसे मात्र 100 से 500 मीटर दूरी पर ही ये जो महाराणा प्रताप की पर्वत पर सबसे ऊंची स्टेचू मूर्ति बनाई गई है। भाई ये मूर्ति वाकई में उस समय के महाराणा प्रताप को प्रतीत करती हैं। अगर इनके जो नज़दीक मैं आपको झूम करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर महाराणा प्रताप के जो एक एक सीन है आपको देखने को मिलेगा। रियल में ऐसा लगेगा जैसे कि आज के जो महाराणा प्रताप है वही इन चेतक पर बैठे हुए हैं। देख सकते हो यहाँ पर है ना बहुत ही सुंदर गार्डन कर दिया गया और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा दोस्तों हरदम रहता है, जैसे कोई फोटो शूट करने के लिए आता है कोई वीडियो बनाने के लिए आता है तो इस प्रकार से यहाँ की लोकेशन है वो बनी रहती है। और फिर दोस्तों आप देख सकते हो इसके चारों तरफ है आपको जंगल देखने को मिलेगा, यानी जंगल है दोस्तों चारों तरफ और इसके सामने से आपको जो चेतक जहाँ से चेतक ने छलांग लगाई थी तो वो जगह भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये देख सकते हो म्यूजियम है दोस्तों, ये सामने जो आपको जो फोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है दोस्तों ये म्यूजियम है और म्यूजियम है दोस्तों प्राइवेट म्यूजियम है, सरकारी म्यूजियम था जो मैंने आप लोगों को बता दिया, सरकारी म्यूजियम नहीं है प्राइवेट म्यूजियम है। और इसके अंदर जो महाराणा प्रताप जैसे शस्त्र वस्त्र वगैरह रखते थे ना तो उन्हीं के कॉपी किए गए यहाँ पर जो शस्त्र हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं। दोस्तों इसकी जो टिकट है 20 से 30 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट होती है इसकी। और दोस्तों जो हम रात को होटल के अंदर रुके थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो होटल आपको दो टंकी वगैरह रखी हुई नज़र आ रही है दोस्तों इसी होटल में हम रात को रुके थे। देख सकते हो पर्वतों का जो सीन है वो व्यू कितना शानदार आपको मिल रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार
यू मिलेगा आपको। और वहाँ पर मतलब दुकानें वगैरह लगाई गई हैं गन्ने के जूस की, कॉफ़ी की, मतलब खाने पीने जैसे चाय नाश्ते की दुकानें मिलेगी। और पर्यटक आना जाना दोस्तों आपको यहाँ पर हरदम मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कोई ट्रेवलिंग के लिए आता है, ट्रेवलिंग व्लॉग बनाने के लिए आता है, तो कई सारे जो बच्चे हैं स्कूलों से तो वो भी आते रहते हैं। बहुत ही वीर भूमि है दोस्तों, अगर इसकी माटी को अगर प्रणाम करें, इसकी माटी को अगर चूम भी लूँ तो भी इसका जो एहसान है वो ख़त्म नहीं होता है। म्यूजियम के पास में दोस्तों काम चल रहा है और वहाँ पर एजेसबी वगैरह लगी हुई है, देख सकते हो गाइज। यही वो वीर भूमि है जहाँ पर महाराणा प्रताप अपना चेतक के साथ हल्दीघाटी का युद्ध लड़े थे। तो दोस्तों यार आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं ना अपना जो वो नाला था ना जहाँ से चेतक ने छलांग लगाई थी वो नाला, वहाँ पर मैं अपना जो वीडियो शूट कर रहा था तब मेरा कैमरा गिर गया था और कैमरा भी दोस्तों फूट चुका है, मेरे मोबाइल का था, मोबाइल फूट चुका है। और आप लोगों को पता ना मेरा न्यू चैनल है ना, तो अर्निंग वगैरह करता हूँ ना भी कुछ चैनल इतना ग्रोथ में है, तो यार बस सपोर्ट करना देखना, क्योंकि मेरे इस सफ़र से ज़्यादा इसका खर्चा हो जाएगा, लगभग 2000-3000 का मेरा इसका स्क्रीन है वो मेरे को मिलेगा। तो बस कैमरा सही सलामत रह गया था, फ़ोन का जो कांच है ना वो स्क्रीन टूट चुका है, ठीक है ना। तो ये तो मेरे लिए खर्चा हो गया यार, बस क्या करें। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए नया फ़ोन, नया कैमरा लाना भी पॉसिबल हो जाएगा और आपके लिए मतलब अच्छी से अच्छी व्लॉगिंग फिर से कर पाऊँगा। नहीं तो दोस्तों अगले जो ट्रेवल बनाऊँगा उस तक के लिए मेरे को सबसे पहले अपने मोबाइल का जो ग्लास है ना इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बस सपोर्ट करना अपने भाई को और लाइक और शेयर और अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। नमस्कार सर जी। सर जी वो बताएंगे जो महाराणा प्रताप ने जो अंतिम क्षण मतलब बिताए थे वो जगह किस जगह पर होगी? यहाँ से यानी चावंड में है। चावंड में है, यहाँ से कितना दूर पड़ता है? बांसवाड़ा के पास। बांसवाड़े के पास, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम समय वहीं वहीं पर बिताया था अंतिम समय, मतलब। और यहाँ से तो वो रक्त ले है ना 3 किलोमीटर, और मतलब यहाँ पर नज़दीक जगह कोई मतलब घूमने के लायक? यही है, बाकी और म्यूजियम है नीचे। म्यूजियम है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपको पता है ना कि यहाँ पर है ना सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे भाई आपको सीताफल के मिलेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर हम चित्तौड़ में गए वहाँ पर भी सीताफल के पौधे बहुत अधिक थे और यहाँ पर भी सीताफल के पौधे बहुत अधिक है। और जैसा हम लोग है ना ऊपर जो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर सीताफल लेकर बैठे ये दो बच्चे, और मेरे हिसाब से भील जनजाति से ही होंगे। भील जनजाति से हो ना, है ना। तो आप लोगों को पता ना यहाँ पर इन कस्बे के अंदर जो भी लोग रहते हैं ना वो भील जनजाति के हैं, और ये लोग हैं जो जंगलों से सीताफल लेकर आए। देखिए काफ़ी सारे सीताफल लगते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि 100 रुपये के अंदर आप सब ले जाओ भाई, हम इतना कैसे ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पीछे ऑलरेडी भी काफ़ी सारा वजन है तो हम इनको ले जा तो नहीं सकते। लेकिन बोल रहे कि हमारे सुबह से बोवनी नहीं हुई है तो हम इनको ऐसे ही अपनी तरफ से 10 रुपये ऐसे ही देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ इतना वजन हम ले जा नहीं सकते। ये लीजिए, ये तुम्हारी सीताफल नहीं चाहिए हमें, ऐसे ही रख लो, 5 तू ले लेना, 5 इसको दे देना, ठीक है ना। तो दोस्तों ये म्यूजियम प्राइवेट म्यूजियम है, देख सकता इस प्रकार म्यूजियम का गेट है, और इसके उस तरफ है जो महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई है, सॉरी महाराणा प्रताप की मूर्ति बनाई गई है, जिसमें महाराणा प्रताप जो महाराणा प्रताप का चेतक था उसके आखिरी क्षण में वो उनसे प्यार करते हुए और रो रहे हैं, और पीछे उनका भाई है जो उनके महाराणा प्रताप के पीछे सॉरी चेतक के पीछे खड़ा है। और ये यहाँ पर भी देख सकते हो इस जो प्रतिमा में वो चीज़ बताई गई है जिसमें महाराणा प्रताप मान सिंह को भाला मारते हैं, और अंदर देख सकते हो महाराणा प्रताप जी की बड़ी है जो मूर्ति लगाई गई है।